टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड सुन के आपको क्या नजर आता है? मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, वो पूरा सोल्ड आउट था आज के दिन के लिए। आज का ब्लॉग एक खास जगह की टूर पर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। आइए बताता हूँ। वॉकिंग भी आ सकते हो, मुझे लगा नहीं था कि इतना पास में। हम शुरू करते हैं मुंबई के दादर स्टेशन पर। तो जी स्वागत है दोस्तों, आज से हमारी नई जर्नी शुरू हो रही है। एंड अभी मैं हूँ दादर स्टेशन पे, ये है मेरी ट्रेन। एंड हम लोग जा रहे हैं अभी एकता नगर, जो कि जो सबसे पास का स्टेशन है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। एंड लास्ट मोमेंट टिकट निकाली, इसलिए ट्रेन की साइड अपर सीट मिली, जहाँ ओवरनाइट सफ़र करना बहुत मुश्किल रहा। जैसे तैसे 3-4 घंटे नींद पूरी करके मैं पहुंच गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ एकता नगर स्टेशन। अभी सुबह के 7:25 हुए। हालांकि ट्रेन बहुत जल्दी पहुंची, बिफोर टाइम पहुंची, 7:25 का अराइवल था, लेकिन 7:05 को ही पहुँच गई। अभी आप देख सकते हैं कि ट्रेन निकल गई है पीछे। तो मेरा कंपार्टमेंट था S6, वो बहुत एकदम आगे था वो एरिया में। सो ये स्टेशन के बारे में बताया जाए तो एकता नगर एक ग्रीन सर्टिफाइड स्टेशन है, इंडियाज फर्स्ट। एंड बहुत ही क्लीनलीनेस है गाइस यहाँ पे। और मैं ना वॉशरूम वगैरह यूज़ करके आया, और इन्होंने बहुत ही क्लीन वॉशरूम रखे है। और स्टेशन का जो एरिया भी है ना, इतना साफ़ है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड मतलब बैग्स रखने के लिए भी जगह है, रेस्ट रूम्स है, बाकी सब कुछ है। सो एकता नगर स्टेशन का बताया जाए तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एक होम स्टेशन बोल सकते हैं आप। यहाँ से आपको बस या फिर ऑटो पकड़नी है एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जा सकते हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही रुकना नहीं पड़ता, क्योंकि रिक्शास, बसेस और प्राइवेट टैक्सीज आपके लिए हाजिर होती है आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचाने के लिए। सो बस की सेवा जितना मुझे पता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये डायरेक्टली आपको पहुँचाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। एंड ऑटो के पता नहीं, मतलब मिनिमल चार्जेस रहेंगे 20-30 रुपये। बस स्टेशन के बाहर ही सब लगती है, इवन प्राइवेट टैक्सीज भी है यहाँ पे। और ऐसा कुछ स्टेशन के बाहर माहौल है। ये गवर्नमेंट बस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ती है, और ये सुविधा आपके ट्रेन के अराइवल टाइमिंग के अनुसार चालू ही रहती है। स्टेशन से लेकर ये पूरा परिसर गार्डेड है, और कुछ ही दूरी पर ओवरनाइट स्टे के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ही दूरी तय करके दिखने लगा विशाल स्टैचू ऑफ यूनिटी। फाइनली मैं पहुंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी के परिसर में मौजूद बस स्टैंड पर, जो अपने आप में एक काफी लंबा और चौड़ा बस स्टैंड है। अभी मेरे पास तो है लगेज, सो मैं सोच रहा हूँ कि लॉकर रूम ले लूँ, और लॉकर रूम के लिए बहुत ज़्यादा लाइन है। सोचता हूँ क्या करना है। सो ये लॉकर रूम का सिस्टम ऐसा है कि अंदर आप बैग लेकर नहीं जा सकते, या कोई भी बैग हो, बड़ा बैग तो है ही नहीं, लेकिन अपना इवन छोटा बैकपैक भी नहीं लेकर जा सकते। सो मुझे सब यहाँ पे निकाल कर, मतलब मेरे पास दो बैकपैक थे, एक तो बड़ा रक्सैक था एंड एक बैकपैक छोटा वाला बैकपैक था, जहाँ पे मैंने सब इलेक्ट्रॉनिक्स रखे थे और इम्पोर्टेंट सामान जैसे कि वॉलेट वगैरह। तो वो भी बैकपैक मुझे निकालना पड़ा, तो मैंने कैसे करके वो बड़े बैग में डाल दिया। तो उन लोग ने कुछ अंदर लेके जाने नहीं दिया। फिलहाल तो अभी मेरे पास बस यही एक बैग है। और लॉकर रूम का जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस एक टोकन दे देंगे एंड बस दैट्स इट। तो मैंने सब कुछ एक ही बैग में ठूस दिया, कैसे तो बहुत ही हैवी बैग बन गया। तो एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे अंदर कुछ लेके जाना नहीं पड़ेगा, अभी मैं पूरा हल्के हाथ से जाऊँगा। और मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे आऊँगा तो मुझे पूरा दोनों बैग पकड़ के चलना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा हल्का लग रहा है। भाई ये आप देख सकते हैं, ये है टिकटिंग ऑफलाइन टिकट का काउंटर, यहाँ पे जाके आप आपका ऑफलाइन टिकट ले सकते हो, या फिर बेस्ट रहेगा आप ऑनलाइन टिकट निकाल कर आ जाओ। और साइड में ये लॉकर वाला सिस्टम। भाई मैं टिकट लेने गया तो अब भीड़ देखो कितनी हो गई है रे यार। और ऊपर से अभी टिकट भी मुझे सिर्फ एंट्री टिकट मिली है, क्योंकि व्यूइंग गैलरी वाला टिकट सोल्ड आउट है। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, वो पूरा सोल्ड आउट था आज के दिन के लिए, क्योंकि आज संडे है तो बहुत टूरिस्ट आ गए। तो ठीक है जाने दो अभी, और कल भी मैं नहीं आ सकता क्योंकि कल बंद होता है, मतलब मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी का एंट्री बंद होता है। सो बस एंट्री टिकट लेके अभी मैं थोड़ा घूमूंगा
एंड देन सोचूंगा आगे क्या करना है। सो फिलहाल तो अभी मेरा सब कुछ हो गया है एंड मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए यार। मैं जब आया था तभी सुबह कोई नहीं था, अभी बज रहे हैं 8:20। अंदर जाकर सिक्योरिटी गेट से आगे पैदल लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। वैसे दोस्तों अगर आपको इतना ये चलना नहीं है ना, तो ये लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये व्हीकल्स भी है यहाँ पे, तो आप इस पे बैठकर आप सीधा जा सकते हो, वो आपको छोड़ेंगे एकदम आगे तक वहाँ पे, एकदम यहाँ पे। सो किसको अगर ऐसा चलने की प्रॉब्लम है या फिर पैर बहुत दर्द करते ज़्यादा चलने पे, तो आप वो ले सकते हो। यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा प्लांटेशन किया है एंड इसके बाजू में ये सिटिंग एरिया भी किया है, ये शायद किसी लाइट शो के लिए हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं अभी फ़िलहाल। तो मैं सिर्फ वो पैर तक जाऊंगा एंड देन जंगल सफारी करूंगा एंड देन फिर से रिटर्न। मुझे रात की 9 बजे की ट्रेन पकड़नी है एकता नगर से अहमदाबाद के लिए। सराउंडिंग्स काफ़ी साफ़ सुथरा रखा है गाइस, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था मुझे, लेकिन बहुत ही बढ़िया है ये। ऐसे और आगे तक चल के जाने बहुत, तो मैं वही रिकमेंड करूँगा अगर किसी को चलने का प्रॉब्लम है या फिर घुटनों का दर्द होता है, तो वो पीछे जो गाड़ी बताई मैंने वो लेकर जाओ, इजी पड़ेगा आपको, जल्दी पहुँच जाओगे। चलते चलते साथ ही में नर्मदा नदी के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। जिनको चलने में तकलीफ हो रही हो तो उनके लिए ये ऐसे मूविंग वॉकवेज भी बनाए गए हैं जिससे हम आराम से आगे तक पहुंच जाते हैं। आज पूरा दिन निकलना है तो सोचा अभी थोड़ा बचा लेता हूँ एनर्जी, आगे जाके बैठ लेता हूँ। पास में आपको दिखेगा ये ब्रिज जो कनेक्ट करता है वो मॉन्यूमेंट को वहाँ पे, एंड ये लेफ्ट साइड में आपको मैंने बताया ये नर्मदा नदी है और इसी के बीच यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। छोड़ो भाई, मैं तो अभी चल कर ही जाता हूँ, बहुत धीरे धीरे जा रहे हो। तो एंट्री फीस है 150 रुपीज़ फॉर नॉर्मल एंट्री एंड व्यूइंग गैलरी की एंट्री है 380 रुपीज़ की। एंड अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री लेनी है जिसमें बेसिकली अलग कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको लाइन में वगैरह रुकना नहीं पड़ेगा, एकदम तुरंत आप जा सकते हो। सो वो एक्सप्रेस एंट्री है 1030 रुपीज़ की। मैंने फ़िलहाल तो एक नॉर्मल एंट्री ले ली है क्योंकि अवेलेबल ही थी नहीं दूसरी एंट्री, तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने अभी जंगल सफारी की एंट्री ली विच इज़ 4 रुपीज़ 200। तो ये दो एक करूँगा एंड देन फिर निकलूँगा। कुछ दूरी और तय करके फिर नज़र आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भव्य स्टैचू जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो स्वागत है दोस्तों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू, ये डेडिकेट किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जो थे हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एंड बहुत ही बड़ा स्टैचू है गाइस ये, इसकी टोटल हाइट है 182 मीटर्स, टोटल नहीं, इस ये स्टैचू की हाइट है 182 मीटर्स एंड एक्स्ट्रा ये जो बेस है इसकी हाइट है अराउंड 58 मीटर्स, जिससे ये बनाते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू। और गाइस और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो हाइट आप देख रहे हैं 182 मीटर्स की यहाँ से यहाँ तक, ये गुजरात स्टेट की 182 सीट्स के बाद ऐसे बनाई गई है क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके 182 सीट्स है, तो उस हिसाब से इन्होंने हाइट रखी। तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, आपको पता ही होगा इनका बहुत बड़ा रोल रहा था हमारे देश के इंडिपेंडेंस के बाद। स्टैचू के बारे में बताया जाए तो ये है 182 मीटर्स एंड इसकी जो आउटर कोटिंग है वो बनाई गई है ब्रॉन्ज से, यूजिंग 1700 मेट्रिक टन्स ऑफ ब्रॉन्ज, बेसिकली ये पैनल्स है। एंड इसकी इनसाइड जो है वो है प्योर कॉन्क्रीट, रीइंफोर्स कॉन्क्रीट। तो ये स्टैचू को ऐसे बनाया गया है कि ये 180 किलोमीटर पर आवर के विंड्स को भी सहन कर सकता है एंड रिक्टर स्केल पे 6.5 के अर्थक्वेक को भी। सो बहुत ही मजबूत स्टैचू है एंड यहाँ पे बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है ये। तो दोस्तों ये स्टैचू बनाया गया है राम सुतार ने एंड इसे अनवील किया था 31 अक्टूबर 2018 को, जो पड़ता है सरदार पटेल की 143rd बर्थ एनिवर्सरी।
आगे चलते ही वीविंग गैलरी का एंट्रेंस दिखाई देता है, जिसका टिकट मेरे पास नहीं था। लेकिन उसके अलावा पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी के परिसर का एक्सेस हमें रेगुलर एंट्री टिकट से मिल जाता है, जिससे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के पैर तक जा सकते हैं। जब सुबह मैं यहाँ पे पहुँचा तो टेम्परेचर था 17 डिग्री। एक्चुअली स्टेशन पे जब पहुँचा तब, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, अराउंड 22 डिग्रीज है, लेकिन फिर भी इतना ऐसा पसीना वगैरह नहीं आ रहा है, ह्यूमिडिटी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्लाइमेट है इतना धूप होके भी। एक्चुअली सीधा ही एकदम मुँह पे धूप आ रहा है, लेकिन गर्म तो नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग जाते हैं आगे ऊपर, अभी मैं सोच रहा हूँ चढ़ के ही जाओ। तो भाई वहाँ से चढ़ के आए, अभी और ऊपर चढ़ने। वैसे यहाँ पे चढ़ने के लिए एस्केलेटर सभी जगह पे है, एंड इवन चलने के लिए भी वो वॉकिंग वाला होता है जो आपने देखा वो भी है। तो ऐसा कोई किसी को चलने के लिए प्रॉब्लम होगा नहीं। यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो। ये जो बेसिकली ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, ये 20,000 स्क्वायर मीटर्स का कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे मैं अभी इसके बेस पे खड़ा हूँ। एंड ये बेस से आपको एक कोलोसल स्टैचू दिखाई देता है। ओ भाई गाइज, ये साइज देखो यार। ऊपर जाने के तो और भी बढ़िया दिखेगा। चलो फाइनल स्टेप। कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिससे आप सीधे स्टैचू के पैर तक पहुंचते हो। अब आज क्योंकि संडे था तो काफी भीड़ आने शुरू हो गई थी। काफी स्कूल्स कॉलेजेस के टूर्स भी आए थे, जिससे संख्या और बढ़ गई थी। गाइस मुझे लग रहा है मैं बहुत गलत टाइम पे आया। एक्चुअली आज संडे है, स्कूल की पिकनिक, बच्चे लोगों की सब टूर्स वीर सब बहुत पूरा भरा पड़ा है। फाइनली स्टैचू के पैर तक पहुंचते ही हमें इसकी साइज का अंदाजा हो जाता है कि ये कितना विशाल स्टैचू बनाया गया है, जिसके कारण ये वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू कहलाया जाता है। यहाँ पे ना नर्मदा क्रूज करके मैंने एक बोर्ड पढ़ा, तो शायद ये वो वाला रहेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे आप अगर वो फेरी लेते हो तो आपको एक पूरा ऐसा पैनारोमिक व्यू आपको बाहर से बता देगी ये फेरी। इसकी चार्जेस मैंने पूछा नहीं, लेकिन भाई ये भी यहाँ पे है फैसिलिटी। ये जो एरिया है ना, हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे तो बहुत सारे बोर्ड्स भी दिखे मुझे यहाँ पे कि रिवर राफ्टिंग के लिए। सो अगर आपको रिवर राफ्टिंग भी ट्राई करनी है यहाँ पे आके, तो आप बुक कर सकते हो। बुकिंग का यहीं पे आसपास रहेगा, अगर मैं पूछ के देखता हूँ इनकेस अगर इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन आपको बोर्ड तो दिखी जाएगा, क्योंकि मुझे भी बोर्ड दिखे थे रिवर राफ्टिंग के लिए। और हम लोग जैसे ही जा रहे थे तो तीन क्या बोलते हो टेम्पो दिखे, जो रिवर राफ्टिंग के वो बोट्स लेकर जा रहे थे। सो है यहाँ पे मतलब एक्टिविटीज करने के लिए, अगर आप चाहो तो ये नर्मदा रिवर में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेस फॉर व्हील चेयर एंड सीनियर सिटीजन्स भी है। तो यहाँ से अगर आपके साथ कोई मतलब एजेड लोग हैं या फिर डिसेबल्ड लोग हैं जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से आ सकते हो, तो इसकी भी सुविधा है। देखो वहाँ पे एक साइन लगाया है इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का। आप ऊपर से ये ड्रोन वाला व्यू देख सकते हो, हालांकि मेरे पास ड्रोन है नहीं, लेकिन ये काम चलाओ ड्रोन। ये इससे भी आप देख सकते हो कैसे दिखता है आसपास का परिसर। कमेंट करो मुझे ड्रोन लेना चाहिए कि नहीं। वैसे ऊपर और कुछ करने या देखने लायक है नहीं, सिवाय नर्मदा नदी के सुंदर व्यूज के अलावा। गाइस भीड़ देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, अभी 10 बजे एंड काफी लोग आने लगे। अभी मैं पहुंच चुका हूँ असेंबली पॉइंट। यहाँ पे बेसिकली ये सीट्स बनाए गए मैंने जो आपको बताया था, आई थिंक ये ना लाइट शो के रिलेटेड सीट्स है। मैं आपको फूड कोर्ट भी बताता हूँ अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही है। बेसिकली ये जस्ट एक राउंड मार्केट, ये फूड कोर्ट। शांति बड़ी थोड़ी।
यहाँ से ये सब मैं तो भाई भूख लगी थी इसलिए समोसे लिए मैंने, फूड कोर्ट में ही आया यहाँ पे। एंड एक प्लेट में 3 समोसे यहाँ पे और एक प्लेट है 90 रुपये की। देखता हूँ अभी पूरा खाना पड़ेगा, एक तो 90 रुपये भरे मैंने। चलो ख़त्म कर दो और फिर खाता हूँ। फाइनली मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का सफ़र पूरा करके बढ़ता हूँ अगले लोकेशन पर, जो है जंगल सफारी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा इस परिसर पे कई और देखने लायक जगह है, जिनमें से मैंने चुना जंगल सफारी को। इसका अलग टिकट लेना पड़ता है और ये जगह स्टैचू ऑफ यूनिटी से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक जाने आने के लिए ट्रांसपोर्ट वही बस स्टेशन से मिलती है जहां हम उतरे थे। वैसे जंगल सफारी से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन पूरा सफर तय करने के बाद मुझे समझ आया कि ये एकदम वर्थ इट रहा। दोस्तों यही एंट्री है जंगल सफारी की। एक्चुअली ये मतलब मेन बस स्टैंड से ना हार्डली मतलब आप वॉकिंग भी आ सकते हो। मुझे लगा नहीं था कि इतना पास में लगा, नहीं तो मैं वॉकिंग ही आता। तो ये आगे ही है, अभी जो बस ने हम लोग को छोड़ा ये बस जाएगी आगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। सो वैली ऑफ फ्लावर्स में नहीं जा रहा मैं, जंगल सफारी को जा रहा हूँ। अभी देखते हैं क्या है। टिकट तो ऑलरेडी खरीद ली है मैंने, सो डायरेक्टली अभी अंदर जाना है यहाँ से। एक भव्य एंट्रेंस से मैं अंदर जाता हूँ और शुरू होता है छोटे से बड़े जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का सफर। यहाँ एनिमल्स केज नहीं है, उन्हें ऐसे ही ओपन एनक्लोजर में रखा गया है और घूमने फिरने के लिए काफी बड़ी जगह दी गई है। कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनको मैंने पहली बार देखा और पहली बार नाम सुना। वाइल्ड एनिमल्स को ऐसे सामने देखने में मजा तो आया, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे हाईलाइट जगह यहाँ के बर्ड्स का एनक्लोजर था। यहाँ छोटे से छोटे पेट बर्ड्स से लेके बड़े बर्ड्स की प्रजातियाँ एकदम पास से देखने मिली, जैसे कि ये ब्लू एंड गोल्ड मकाव। जंगल सफारी का ये सुंदर सफर तय करके मैं निकला वापसी। तो भाई ये आप मेरे पीछे देख सकते हो जंगल सफारी का एंट्री गेट। अभी मेरा यहाँ से हो गया निकल के, सब देख लिया। बहुत बड़ी जगह है ये एक्चुअली बोला जाए तो, और बहुत टाइम लगता है आपको ये पूरा कवर करने को। मतलब आप अगर एक वन डे रिटर्न अगर आपका जर्नी है तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो एक्चुअली पूरा कवर करके। मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो इतना नहीं है, लेकिन आपको बहुत चलना पड़ता है ना। एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पे बहुत चलना पड़ता है वहाँ पे आगे, एंड देन जंगल सफारी पे आपको बहुत चलना पड़ेगा उससे ज़्यादा। देखा जाए तो एरिया भी बहुत ज़्यादा है, एंड इसका अगर रिव्यू आप मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगा कि बहुत अच्छा है। हम लोग इंडिया में और बहुत सारे जूज वगैरह जाते हैं, ये एक्चुअली जू नहीं है, ये एक्चुअली प्रॉपर एक जंगल सफारी जैसा इन लोग ने ओपन एनक्लोजर किया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग एक्जोटिक बर्ड्स भी मिलेंगे, फिर अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, फिर साउथ अमेरिकन एनिमल्स, कार्निवोर्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे जो आपने शायद कभी हमारे रेगुलर जूज में देखे हो। अभी मैं जा रहा हूँ फिर से स्टैचू ऑफ यूनिटी के मेन एंट्रेंस के यहाँ पे, क्योंकि मेरा लगेज वगैरह सब कुछ वहाँ पे ही है। ये रोड एक्चुअली हार्डली 1 किलोमीटर है, तो मैं बस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बसेस निकलते हैं। ये बसेस तो अभी मैं फिलहाल ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपसे बातें भी हो जाएगी एंड चलना भी हो जाएगा। अभी आप सामने देख रहे हो स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑलरेडी दिख रहा है, चल के जाके मैं अभी बैग्स ले लूँगा एंड वहाँ से सीधा स्टेशन। गाइस ओवरऑल रिव्यू बताया जाए तो अगर आपको यहाँ पे आने वन डे रिटर्न ट्रिप कर सकते हो। मुझे कुछ मुंबई के लोग भी मिले, 2 लोग मुंबई सेंट्रल से। वो लोग भी, उनसे भी पूछा उन लोग का क्या प्लान है, कैसे आइटिनरी है, तो वो भी बोले कि वो लोग आज सुबह आए एंड आज ही उनकी रात की रिटर्न जर्नी है। देखा जाए तो हो सकता है ये कम्प्लीट, मतलब एक दिन यहाँ पे स्टे करना, मतलब आपको अगर रेस्ट करना है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको वन डे करके फिर से रिटर्न जाना है तो भी पॉसिबल है। अपना बैकपैक लेकर बस में बैठकर और स्टैचू ऑफ यूनिटी को अलविदा कहकर मैं निकलता हूँ मेरे अगले डेस्टिनेशन अहमदाबाद के लिए, जहाँ मैं पहली बार जा रहा था, लेकिन वो सफर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। और गाइस एक चीज़ बताना भूल गया मैं जाते वक्त, स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस में एकदम एक्सट्रीम एंड पे आओगे ना राइट साइड में, तो ये ई साइकिल्स है। ये ई साइकिल्स आप वहाँ से बुक कर सकते हो एंड ई साइकिल लेके भी आप ये पूरा कैंपस या फिर आगे तक वगैरह जा सकते हो। तो इसका आधे घंटे का जो रेट है साइकिल का वो 95 रुपीज़ है एंड आधे घंटे के ऊपर अगर आप जाते हो तो 2 रुपया पर मिनट के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा।